किसान जथेबंदियों द्वारा आज लुधियाना के सिविल लाइन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरचरण सिंह, पाल सिंह, जसपाल सिंह और बलविंदर सिंह ने कहा है कि जत्थेदार जुगतार सिंह हवारा ने जेल में पत्र लिखकर सभी सिख संगतों, संतों, महापुरुषों और भारतीय जथेबंदियों को सिख मुद्दों के ऊपर एक साथ मिलकर संघर्ष करने का संदेश दिया है। इस मौके पर भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रधान तरुण जैन बाबा और वकील वरिंदर खारे ने कहा है कि 30 साल से नजरबंद सिख कैदियों को रिहा नहीं करना, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबियां और बरगाड़ी मोर्चे की मांगों पर इंसाफ ना देना मनुष्य अधिकारों और संविधान की उल्लंघना के मामले हैं। किसान बंधुओं ने कहा है कि वे 7 जनवरी 2023 को मोहाली चंडीगढ़ में पक्का इंसाफ मोर्चा लगाएंगे, जिसमें संगत अंब साहिब मोहाली में इकट्ठे होकर चंडीगढ़ चलेंगे। इस मोर्चे में पंजाब और केंद्र सरकार दोनों ही के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ दे विच असी हर रोज अलग अलग विषयां दे उत्ते पूरे पंजाब दे विच एक जागरूकता मुहिम छेड़न वास्ते हर रोज़ स्टेज ते पंजाब दे मुद्दे विचारे जाणगे और हर रोज़ वख वख तरह दियां जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ रहे आ पंजाब दे संघर्षी लोग उन्हां नूं उत्थे सद के स्टेज मुहैया की जाएगी, साउंड मुहैया की जाएगी, लंगर मुहैया किया जाएगा और उन्हां दे नाल जिहड़ी हैगी आ जथेबंदक सांझ पाई जाएगी और पूरे पंजाब नूं एक सूत्र दे विच परोण लई जिहड़ा मोर्चा हैगा उह सहाई होएगा और जदों लोग इकट्ठे हो जाण आपां सारे जाणदे हां कि समें दियां जाबर सरकारां नूं झुकणा पैंदा है। सो मैं इन्हां शब्दां दे नाल ही आपदी गल नूं विराम दिंदा ते बापू जी होरां नूं बेनती करना कि उह अपने जज्बात जिहड़े हैगे आ क्योंकि इह एक पिता दे रूप विच जथेदार जगतार सिंह हवारा जी दे नाल जुड़े हुए है। सो जिस वेले वो बागी नौजवान जेल ब्रेक तो बाद बाहर आया तो कोई जिगरे वाला इंसान ही हो सकता है जेड़ा उन्हूं कलावे च लवे। सो ये वड्याई बापू गुरचरण सिंह होरां दे हिस्से आई है। सो मैं बेनती करांगा कि आपदे विचार रखण, धन्नवाद। साडे हक्कां वास्ते जेड़ा समय समय ते सरकारां सानूं अणगौला करदियां रहियां, सानूं साडे हक नहीं दित्ते, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि ये पंजाब दे हकां दी लड़ाई है। जे मैं गल करां बंदी सिंघा दी रिहाई दी, उस सरकारी सिस्टम ने ही एक सानू साडे हक ना देण करके ही उन्हां नूं मजबूर किया इस पासे तुरन वास्ते, क्योंकि जिन्ने भी साडे बंदी सिंघ है कोई भी क्रिमिनल बिरती दा सिंघ नहीं उस च, पर कोर्ट वालों जिहड़ियां सजावां मिलियां उन्हां नूं ओह भी पूरियां कर चुके, दुगणियां दुगणियां सजावां कर चुके, पर अजे तक उन्हां दी रिहाइयां नहीं हो रहियां। असीं उन्हां दी रिहाइयां कराउण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब दी होईयां बेअबदियां दा इंसाफ लैण लई बेवल ते कोटकपूरा विच बेवल कलां कांड 'च गोली नाल शहीद होए सिंघां दा इंसाफ लैण लई ते उन्हां 328 सरूपां दा जो श्रोमणी कमेटी वालों लापता किते सी उन्हां दा इंसाफ लैण लई असीं इह मोर्चा लाण जा रहे हैं। जदों तक सरकारां सानूं इंसाफ नहीं दिंदियां इह मोर्चा 7 जनवरी 2023 ਵਿਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 6.5 ਲੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मोर्चा है जिहड़ा ये गुरु ग्रंथ साहब कला सिखां दा गुरु ग्रंथ साहब नहीं गा, ये गुरु ग्रंथ साहब हिंदुओं का भी ओना ही है, ये गुरु ग्रंथ साहब मुसलमानों का भी ओना ही है, सिख और मुसलमान और हिंदू इहदा ओना ही सत्कार करते हैं। पर जिहड़ियां साडियां सरकारां ने ये प्रोजैक्ट कर रही ने कि गुरु ग्रंथ साहब सिखां दा, साडियां सरकारां प्रोजैक्ट कर रही ने कि जिहड़े बंदी सिंघां दा मसला ये सिखां दा, पर ये गल हुण नहीं चलनी। असी सारे हिंदू समाज सिखां दे नाल सिख भाईचारे नाल जिहड़ा कि साडा ही भाईचारा है साडे ही विचों ने इन्हां नाल इस लई खड़े हैं कि जिहड़ियां समें समें दियां सरकारां सानूं बेवकूफ बना रही ने। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट।